हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार और लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों, इस डिपार्टमेंट के द्वारा जूनियर आर्टिजन, साइंटिफिक असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर IIT, डिप्लोमा और BSc वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी, 20,802 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी रहेगी। प्लस आपको अदर फैसिलिटीज भी इस डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स किसी भी स्टेट से आते हो तो भी आप इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। वहां पे मैं आपको हर उस चीज के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसके बारे में आपको अप्लाई करने से पहले पता होना चाहिए। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी यहां पे स्पेशल रखा गया, तो उसको भी आप जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन इनके द्वारा जारी किया गया। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी जॉब है, 4 साल का आपका स्टार्टिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। दोस्तों, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि आगे आपका जो पीरियड है उसको बढ़ाया जाए या फिर 4 साल के बाद में आपको घर भेजा जाए। बात कर लेते हैं अलग अलग वैकेंसी के बारे में। 3 टाइप की यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। पहली जो वैकेंसी है दोस्तों, साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। दो नंबर जो वैकेंसी है जूनियर आर्टिजन की वैकेंसी है। 3 नंबर पर जो वैकेंसी है ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। तीनों ही वैकेंसी के लिए आपकी जो जॉब लोकेशन है मैसूर कर्नाटका के अंदर रहने वाली है। साइंटिफिक असिस्टेंट ए के लिए 24 वैकेंसी, जूनियर आर्टिजन के लिए 86 वैकेंसी, ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहां पे 1 वैकेंसी रखी गई है। एज लिमिट यहां पे 25 इयर्स रखी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर आप SC और ST के कैंडिडेट्स हो, 5 साल के आपको छूट मिल जाएगी, यानी कि 30 इयर्स तक के कैंडिडेट्स वो अप्लाई कर पाएंगे। SC और ST के और OBC को 3 साल के अधिकतम आयु के अंदर छूट मिल जाएगी। यहां पे जो आपका पे स्केल आप चेक कर सकते हो, लगभग 20,000 रुपए आपकी पर मंथ के हिसाब से यहां पे सैलरी रहने वाली है। बात कर लेते हैं यहां पे अलग अलग ब्रांच के लिए कितनी कितनी वैकेंसी रखी गई है। तो यहां पे एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को आप समझ लीजिए। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड ए है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल के लिए यहां पे वैकेंसी रखी गई है। जूनियर आर्टिजन जो कि IIT वाले कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, फिटर, केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए यहां पे वैकेंसी रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 111, यानी कि 111 वैकेंसी यहां पे रखी गई है। काफी अच्छी यहां पे वैकेंसी है। दोस्तों, बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जो कट ऑफ डेट है दोस्तों, 31 मार्च रखी गई है, यानी कि इस डेट से पहले पहले आपका एक्सपीरियंस है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी वो कंप्लीट होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, 2 टाइप की वैकेंसी है। एक तो जो वैकेंसी दोस्तों डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए है, जिसके अंदर अगर आपने फर्स्ट क्लास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है, इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में, मैकेनिकल में, मेकाट्रॉनिक्स में, रोबोटिक्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और केमिकल डिसिप्लिन के लिए जो वैकेंसी है, इसके अंदर अगर आपने केमिस्ट्री के साथ में BSc कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है, मिनिमम 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस का यहाँ पे फील्ड इन्होंने मेंशन कर रखा है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सब स्टेशन, DG सेट, ड्राइव, PLC, स्काडा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर 2 पे जूनियर आर्टिजन की जो वैकेंसी है, इसके अंदर IIT वाले अप्लाई कर सकते हैं। IIT की ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल, फिटर, डीजल मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस है वो मिनिमम यहाँ पे कंपलसरी रखा गया है। दोस्तों, अगर आपके पास में देखिए सब स्टेशन मेंटेनेंस का, UPS, बैटरी, DG सेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल प्रोसेस के अंदर आपके पास में एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो अप्लाई कर सकते हो। ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी, एक वैकेंसी है, BSc, बी और BCom वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी कंपलसरी रखा गया। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है और आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, तो इसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आपको किस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, अप्लाई आपको करना कोई भी ऑफलाइन मोड से, ऑनलाइन मोड से नहीं करना है आपको। अब जब आप इसके अंदर देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक एड्रेस दे रखा है दोस्तों, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल, यहाँ पे एक जो एड्रेस है मैसूर कर्नाटका का एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने डेट मेंशन कर रखी है अलग अलग पोस्टों के लिए। तो जूनियर आर्टिजन की जो वैकेंसी, इसके लिए 17 अप्रैल को, और ऑफिस असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, इसके अंदर 18 अप्रैल को आपको इस एड्रेस पे विजिट करना होगा। टोटल जो प्रोसेस है, इसके अंदर केवल और केवल 2 से 3 दिन लगेंगे, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो सिलेक्शन है वो फाइनल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन काफी अच्छी आपको सैलरी मिल रही है, 4 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, तो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद
पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको आगे आने वाले जॉब से संबंधित वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।